जैना मोड़ में बोकारो जिला भाजपा कार्य समिति की एक बैठक संपन्न। जैना मोड़ में बोकारो जिला भाजपा कार्य समिति की एक बैठक संपन्न हुई। मौके पर झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, लेकिन भाजपा 55 से 60% वोट को लेकर विपक्षी गोलबंदी को ध्वस्त करेगी, झारखंड प्रदेश की सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल करेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जैना मोड़ स्थित होटल आर्यन के सभागार में बोकारो भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौके पर मुख्य अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की गई। बैठक की अध्यक्षता बोकारो जिला अध्यक्ष भरत यादव ने की, संचालन जयदेव राय ने किया, तो वहीं धन्यवाद ज्ञापन मनोज ठाकुर ने किया। जिलाध्यक्ष द्वारा स्वागत भाषण देते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। बैठक में बूथ सशक्तिकरण, महा जनसंपर्क अभियान एवं आजीवन सहयोग नीति पर मंथन भी हुआ। इस मौके पर दीपक प्रकाश व डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के अलावा धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविन्द्र पांडेय, पूर्व विधायक शत्रुराम महतो, योगेश्वर महतो बाटुल, प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी मौजूद रहे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज प्राइवेट आईटीआई पतरातू रामगढ़ झारखंड। नामांकन सूचना। भारत सरकार एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फीटर मैकेनिक डीजल वेल्डर GMAW एंड GTAW। हमारे यहाँ छात्रावास एवं छात्रवृत्ति सुविधा, 100% प्लेसमेंट की सुविधा, यशस्वी शिक्षा और कौशल विकास योजना के तहत छात्राओं को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। हमारा मोबाइल नंबर 8 7 6 7 0 7 9 9 7 3 4 9 6 9 6 9 6 1 8 0 0 9 6 8 2 9 4 1 2 8 7 2 7।